गाइस हम मीना डिस्ट्रिक्ट पे आ चुके हैं और अभी हम थोड़ा आगे जाते हैं, आपको आगे का दिखाते हैं व्यू। सो गाइस देखो यहाँ पे एक मछली मरी हुई है। ये चीज़ आप देख सकते हैं, इन्होंने ऐसे बना रखे लकड़ी के और बीच में इसमें जो गैपिंग है इससे सीधे पानी नीचे जाएगा, पानी भरेगा नहीं ऊपर। और यहाँ पे आप देखें पूरे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट हैं, लोग भी आए हुए हैं। व्यू देखो ना आप, कहाँ क्या और चीज़ देखते हो, सीधे आप बैठोगे यहाँ पे, ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, जैसे इतने छोटे छोटे बैठने के हैं। इसमें लिखा है रिचर्ड मरीन कुछ, इसके उसके लिए होगा शायद ये, कितना फिट है करके। शवरमा अल कबेज में आ गए, जब तक मेरा शवरमा बनता है मैं थोड़ा बाहर टहल लेता हूँ। अरोमा सब बाहर देखिए आप, इतने सारे कलरफुल घर आपको कहीं नहीं दिखेंगे कतर में, ये मीना डिस्ट्रिक्ट में ही आपको दिखेंगे। और मीना डिस्ट्रिक्ट इसीलिए फेमस है, सेंटेरियो बोलते हैं इसे कतर का। तो अभी मैं आपको और अलग अलग जगह ले जाऊंगा, तो फिलहाल तो मैं अभी आपको यहीं लेके आ रहा हूँ। मेरा खाना का जो मैंने ऑर्डर किया है वो रेडी हो रहा है, भूख भी लग रही है ना, सुबह से कुछ नहीं खाया। तो हम शवरमा अल कबेज में आए हुए हैं। यहाँ पे देखो आप, तीन ऑप्शन है, वेजिटेरियन, चिकन एंड लैम्ब जो भी है। और नीचे इनका ऐसा एरिया है, और अभी हम अंदर गए थे, ऑर्डर कर लिया था, खाना भी रेडी हो गया है, शायद लेके आ रही हो। तो कृष्णा शेफ कैसे हैं आप? ठीक है। सो गाइस अगर आपको हैलोपिनो स्पाइसेस ये तो आप ऐड कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें आपके टेबल में अवेलेबल रहेंगे, आपको रिक्वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। सैनिटाइजर है, क्लीन है, आप देख सकते हैं हमारा खाना आ रहा है, खाना खाते हैं फिर उसका उसके बाद में तुम्हें और ज़्यादा चीज़ें दिखाऊंगा, क्योंकि अभी क्या हुआ है ना, मेरे को थोड़ा एनर्जी की ज़रूरत है। यहाँ पे अभी ये जो मैंने रेस्टोरेंट अभी आपको दिखाया था, यहाँ पे शवरमा बहुत फेमस लिया है, भाई के लिए भी कर लिया है, भाई और हम दोनों खा रहे हैं। तो मेरा तो वेजिटेरियन सैंडविच है, और ये है प्राइस, हम खाते हैं उसके बाद आगे जाते हैं, आगे मिलते हैं आपसे। गाइस आप यहां से सनसेट का व्यू देख सकते हैं, जो मैं आपको दिखाने वाला हूं ये नज़ारा देखिए आप। सामान यहाँ पे आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स के यूनिफॉर्म, ये कपड़े और ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे भी एक वाटर किट, जो पानी में स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है उसके साथ। यहाँ पे ज़्यादातर वीकेंड थर्सडे फ्राइडे को, फ्राइडे सैटरडे को ज़्यादा भीड़ होती है, आज संडे के दिन उतनी भीड़ नहीं होती है, मैंने पता किया था। वो सामने देखो वो है जो स्टेडियम में आपको अभी बता रहा था ना, कंटेनर से बनाया वो स्टेडियम सामने है। मीना डिस्ट्रिक्ट में आके आपको एहसास नहीं होगा कि कतर में गर्मी भी होती है, क्योंकि यहाँ पे ये बीच के इतना
पास में और क्वाइट एरिया है, बिल्कुल पीसफुल है और ठंडी हवा चल रही है और हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। इसलिए आपको रेस्टोरेंट चाहिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए कुछ भी चाहिए और वाटर एक्टिविटी, हर चीज़ अवेलेबल है। साथ ही साथ मेडिकल फैसिलिटी भी है और इजीली आप यहाँ पे मेट्रो से भी आ सकते हैं। मेट्रो स्टेशन से तो अभी आए नहीं, मतलब मेट्रो से हम नहीं आए, बट आप गूगल में चेक करके आ सकते हैं। बट हम आए ऊपर से सिटी सेंटर से, इधर का 15 रियाल ओनली चार्ज का, और यहाँ आके काफ़ी अच्छा लगा। कलरफुल घर दिखे और घर कलरफुल, इतने ज़्यादा बिल्डिंग बनाई हुई है, फोटोग्राफी के लिए एक नंबर जगह है। चलो मैं दिखा देता हूँ क्लोज है करके। सो गाइस, हम फिश मार्केट के बाहर आ गए हैं, बट ये टाइमिंग डेली 6 PM। सो अभी ये क्लोज हो चुका है, नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा तब दिखाऊँगा, बट फिर भी बाहर से मैं आपको दिखा देता हूँ फिश मार्केट में क्या है। आप लोग, बुफे भी है इनका और वो भी है, आला गार्ड भी है। कृष्णा भाई बैठे हुए हैं, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, और यहाँ से भी कुछ नज़ारा है। रात होने लगी ना अभी, तो धीरे धीरे लाइट्स ऑन हो चुकी हैं। लें वहाँ देखते हैं, उधर कुछ लिखा हुआ था। तो यहाँ पे देखो, मैंने एक चीज़ देखी, यहाँ पे बहुत सारी फिश मरी हुई है। एक यहाँ पे भी है, शायद फिश मार्केट है इसलिए जो फिश ख़राब हो जाती होगी या कुछ हो जाता होगा, फेंक देते होंगे, कुछ करते होंगे, पता नहीं। लयाली रेस्टोरेंट भी यहाँ पर। सो गाइज, होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।